अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13, क्लास 7, यूनिट नंबर 5, एक्सरसाइज इज 5, टॉपिक इज एक्सपोनेंट। स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड 1 टिल 13 क्वेश्चन नंबर। नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज अ कलेक्टर डिवाइडेड 48 बीड्स इक्वली इनटू डिफरेंट कंटेनर्स, मींस टोटल नंबर ऑफ beads are 48 and a collector must have to divide this 48 beads in different containers. If there are four square, means four is part two containers, these are the number of containers, yani total containers itne hain. How many beads are contained in each container, yani har container mein kitne beads honge. For solution, टोटल नंबर ऑफ बीड्स इज इक्वल टू 48 बीड्स, नंबर ऑफ कंटेनर 4 स्क्वायर, ईच कंटेनर हैज बीड्स, वी विल डिवाइड 48 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर। 48 मींस स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर मींस इट्स पावर इट्स एक्सपोनेंट इज 2। सो स्टूडेंट्स वी विल मल्टीप्लाई 4 2 टाइम्स, हम 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। Now we will cancel 4 with 4 and we will cancel this 4 and 12. 12 ki hai 4 ke table pe jata hai, isliye 4 ones are 4, 4 threes are 12. So we will get 3 answer according to this. So each container has beads, 3 beads. Question number 15. Harris owns 2 raised power 6 toy cars. Yani Harris ke paas 2 raised power 6 toys टॉय कार्स हैं। इफ ही डिवाइड्स एन इक्वल नंबर ऑफ कार्स टू 16 चिल्ड्रन, यानी टोटल नंबर ऑफ 16 चिल्ड्रन है, हाउ मेनी कार्स डज ईच चाइल्ड गेट, कितने जो है टॉय कार्स हर चाइल्ड जो है विल गेट। सो फॉर सॉल्यूशन, हैरिस हैज टॉय कार्स 2 रेज़ पावर 6, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 16, ईच चाइल्ड विल गेट 2 raised power 6 divided by 16. Students, 2 raised power 6 means हम 2 को 6 time multiply करेंगे और divided by 16. अब इसको जब हम table पढ़ेंगे, 2 2's are 4, 4 2's are 8, same 2 2's are 4, 4 2's are 8, 8 8's are 64. So we will get 64 divided by 16. अब 64 और 16 को हम 16 के टेबल पे कैंसिल कर सकते हैं, 16 वन्स आर 16 एंड 16 फोर्स आर 64, सो वी विल गेट आंसर 4। ईच चाइल्ड विल गेट 4 टॉय कार्स।